तो देखिए छोटा दुकानदार सुबह उठता है, उसके साथ दो तीन लोग काम करते हैं, तो अगर बड़े उद्योगपतियों का कैश फ्लो रुक जाए जैसे कोरोना के समय हुआ, उनको कोई मुश्किल नहीं होती। एक महीना, दो महीना, तीन महीना, चार महीना, छह महीना, एक साल उनका कैश फ्लो रोक लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इन बेचारों को अगर आपने कैश फ्लो 15 दिन, एक महीना रोक दिया, तो आपने इनका गला घोट दिया, मतलब यूं पकड़ लिया, और अगर आपने 2 महीने कर दिया तो आप इनको मार दोगे खत्म। 8 बजे नोटबंदी, 12 बजे GST लागू की, और इनकी जो तपस्या है उस तपस्या से चोरी की। आप ये मत सोचिए कि ये पॉलिसीज थी, ये आपके कैश फ्लो को खत्म करने के हथियार थे। देखो समझ गए ना, दुकान चलाते हो ना, देखो समझ गया, ये पॉलिसीज नहीं थी, ये हथियार थे। किसके लिए हथियार थे, किसके हथियार थे? वही जो 3-4-5 बड़े उद्योगपति हैं उनके हथियार थे। हिंदुस्तान की जो तपस्या है, हिंदुस्तान के जो तपस्वी हैं, उनको दबाओ, उनको कुचलो, और उनके जेब में जो पैसा है उसको छीन कर 5-6 लोगों को दे दो।